हेलो फ्रेंड्स, चिकित्सा किचन में आपका स्वागत है। आज हम मिल्क पाव बनाएंगे। ये बिल्कुल ही बाजार जैसे सॉफ्ट पाव बने हैं। देखिए कितने स्पॉन्जी है, इसमें जाली भी अच्छी पड़ी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बाजार जैसे ही पाव घर पे बनाएं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जिसे फॉलो करके आप बिल्कुल ही परफेक्ट बाजार जैसे पाव बना सकेंगे। देखिए कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं, देखने में ही पता चल जाता है। इसमें अच्छी सी जाली भी पड़ी है। फ्रेंड्स, रेसिपी देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट करना भी ना भूले। तो चलो देखते हैं इसकी रेसिपी। मिल्क पाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है। यहाँ पर मैंने एक छोटी चम्मच मेजरमेंट में यूज की है। इसका यूज़ करके ही मैंने सारा नाप लिया है। ये शुगर 4 से 5 छोटी चम्मच ली है। ये नमक है, हम स्वाद अनुसार डालेंगे। मिल्क पाउडर 2 छोटी चम्मच और एक्टिव ड्राई ईस्ट 2 छोटी चम्मच। सारे मेजरमेंट मैंने इसी छोटी चम्मच के नाप से लिया है। जो हम डेली यूज़ में छोटी चम्मच यूज़ करते हैं, ये वो ही है। ये ऑयल है, ये 5 छोटी चम्मच मैंने ऑयल लिया है। आधा कप जितना गुनगुना मैंने दूध लिया है और 1 छोटी ग्लास जितना गुनगुना मैंने पानी लिया है, जो हम जरूरत के मुताबिक डालेंगे। अब मैं गुनगुने दूध में 5 छोटी चम्मच चीनी डालूंगी। अब मैं इसमें 2 छोटी चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट डालूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी, ताकि हमारा ड्राई एक्टिव ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो रहा है कि नहीं वो हमें पता चल जाए। दस से पंद्रह मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा ईस्ट एक्टिव हो गया है। अगर ईस्ट एक्टिव ना हो तो पाव ना बनाए, क्योंकि ईस्ट अगर एक्टिव होता है तो ही पाव अच्छे से फूलेगा और पाव हम बना सकेंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ईस्ट को एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। अब मैं इसे अच्छे से हिला रही हूँ। अब मैं एक बड़े बर्तन में मैदा को छानूंगी। सारी ड्राई सामग्री को मैं ऐसे ही छान के यूज़ करूंगी। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा का यूज़ किया है। सारा ही मैं छान के लूंगी। मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, इसे भी हम छान लेंगे। अब मैं नमक डालूंगी, नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। सारी सामग्री को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
अब मैं इसमें गुनगुना दूध जो हमने ईस्ट से एक्टिव करके रखा था वो डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें गुनगुना पानी डाल के आटा गूंथूंगी। पानी हमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमें पानी, बस गुनगुना ही चाहिए। पाव का आटा हमें ऐसा नरम ही चाहिए, एकदम सॉफ्ट, टाइट नहीं गूंथना है, ऐसा ही आटा चाहिए हमें, एकदम नरम, नरम से भी ज़्यादा नरम, आप देख सकते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, ऑयल से चिकना कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आटा डालूंगी। और मैं यहाँ आटा को इस तरह से गूंथूंगी। इसी स्टेप से हमें 20 से 25 मिनट तक आटे को गूंथना है। बीच बीच में एक एक चम्मच हमें तेल भी डालना है। कुल 4 से 5 चम्मच तेल का मैं यूज़ कर रही हूँ आटा लगाने में। थोड़ा गूंथे, इसके बाद में एक चम्मच डाले तेल, फिर से गूंथे। बीच बीच में हमें ऐसे ही ऑयल डालते जाना है। लगातार 20 से 25 मिनट तक हम ऐसे ही उलट पुलट कर, लपेट कर आटे को अच्छे से गूंथना है। जब तक आटा अच्छे से चिकना ना हो जाए, गोला बनने लायक ना हो जाए, तब तक हम ऐसे ही इसे गूंथते रहेंगे। आटे को अच्छे से उलट पलट कर, पटक कर, मसल कर एकदम चिकना कर लेना है ताकि इसका अच्छा गोला बन जाए। देखिए, इस आटे को तैयार होने में 20 से 25 मिनट लग गई है। मैं लगातार ऐसे ही इसे उलट पलट कर, पटक कर मसल रही हूँ। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छा आटा गूंथेंगे हम, उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी पाव तैयार होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, पाव बनाने में मेजरमेंट के साथ साथ आटा गूंथने का भी बहुत ही ज़रूरी है अच्छा सा, वरना हार्ड पाव तैयार होंगे एकदम से। आटा हमारा अच्छे से गूंथ गया है। अब मैं एक गोला बना दूंगी इसका। देखिए, इस तरह से हम गोला तैयार कर लेंगे एक। अब मैं एक बड़े बाउल में ऑयल लगाऊंगी, इसे ऑयल से चिकना कर लूंगी और इसके अंदर मैं आटे को रख दूंगी। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आटा फूल के डबल हो जाता है,
तो बाउल बड़ा ही ले ताकि आटे को फूलने के लिए जगह मिले। अब मैं इसे ढक्कन लगा के एक गर्म जगह पे रख दूंगी। मैं इसे ओवन में रखूंगी। ध्यान रखें कि ओवन हमें अभी चालू नहीं करना है, सिर्फ बंद ओवन में इसे रखना है ताकि ओवन में इसे गर्मी मिले और जल्दी से ये फूल के डबल हो जाए। मैंने इसे ओवन में रख दिया है। ओवन का दरवाजा मैं बंद कर दूंगी, लेकिन ओवन चालू नहीं करूंगी, सिर्फ बंद ओवन में ही हमें इसे रखना है। आटे को हमने ओवन में रखा था, उसको 2 घंटे होने वाले हैं। तो अब मैं पाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बेकिंग ट्रे को ऑयल से चिकना कर लूँगी। इसके ऊपर मैं सूखे आटे को छिड़क कर फैला लूँगी। एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल दूँगी। अगर आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो आप केक टिन का भी यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये बेकिंग ट्रे तो एक ही है, सबके पास एक ही होती है। तो दूसरा पाव इसके अंदर भी हम बनाएंगे। ये केक टिन है, इसे भी मैं ऑयल से चिकना कर लूँगी और सूखे आटे को छिड़क कर एक्स्ट्रा आटा जो है वो भी निकाल दूँगी। इस तरह की तैयारी करके रख दूँगी, क्योंकि ओवन में रखे हुए आटे को 2 घंटे होने वाले हैं। देखिए 2 घंटे के बाद हमारा आटा फुलके डबल हो गया है। अभी गर्मी की सीजन है तो 2 घंटे में ही फुलके डबल हो गया है, लेकिन ठंडी में ज़्यादा समय भी लग सकता है। अब मैं इसमें पंच मार के सारी हवा बाहर निकाल दूंगी। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से पंच मारे और हवा बाहर निकाल दीजिए। अब मैं प्लेटफॉर्म पर 1 छोटी चम्मच मैदा छिड़कूंगी। अब आटे को मैं यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए सानूंगी। अब हमें मुलायम हाथों से इसे सानना है और ज़्यादा नहीं सानना है, सिर्फ 2 मिनट। अब रोल बनाएंगे। इसके रोल बनाने के बाद चाकू से कट कर लेंगे। और इस गोले को 2 हाथों की सहायता से हम अच्छा एक गोला तैयार करेंगे। ध्यान रखें, ऐसा करने से इसमें रही हवा निकल जाती है और फिर इसका गोला बनाएं। छेद नहीं रहना चाहिए गोले में। हाथ को ऑयल से चिकना करते हुए गोला बनाएंगे ताकि आसानी से गोला तैयार हो जाए। देखिए इस तरह से पहले इसकी इस तरह से हवा निकाल दीजिए एक्स्ट्रा। इसके बाद में इसका गोला तैयार करें। गोले में बिल्कुल ही दरार नहीं होनी चाहिए, छेद नहीं पड़ने चाहिए। जैसे हम गुलाब जामुन के गोले बनाते हैं उसी टाइप से, लेकिन ये थोड़े बड़े बनाने हैं। गोले बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं ब्रश की सहायता से इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। घी लगाने के बाद फिर से इसे ढक्कन लगा के हमें ओवन में रख देना है, या कोई गर्म जगह पर। ध्यान रखें कि जो भी ढक्कन लगाए वो थोड़ा इस तरह का हो कि गोले फूल के डबल हो जाए, तो इसे ढक्कन के ऊपर चिपके ना। अब मैं इस गोले के बर्तन को ढक्कन से ढक दूंगी और ओवन में रख दूंगी फिर से इसे फूलने के लिए। इस तरह के कोई बर्तन से इसे ढक के, क्योंकि गोले फूल के डबल हो जाते हैं।
देखिए फिर से मैंने ओवन में इसे रख दिया है, लेकिन अभी मैंने ओवन को चालू नहीं किया है। सिर्फ ओवन में इसे इसलिए रखा है कि ओवन की गर्माहट के कारण गोले जल्दी से फूल के डबल हो जाए। मैं सिर्फ ओवन का ढक्कन ही बंद करूंगी, ओवन को चालू नहीं करूंगी। आप देख सकते हैं कि 2 घंटे के बाद गोले फूल के डबल हो गए हैं। ठंडी के मौसम में समय थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन यहाँ 2 घंटे में ही फूल गए हैं। आप देख सकते हैं कि गोले फूल के कितने डबल हो गए हैं। इसी वजह के कारण ही मैंने ऐसा ढक्कन लगाया था कि गोले फूल के ढक्कन से चिपके नहीं। अब हम गोले पे हल्के हाथों से ब्रश की सहायता से दूध लगाएंगे। बिल्कुल ही हल्के हाथों से हमें लगाना है। दूसरी साइड ओवन को मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट होने रख दिया है। फ्रेंड्स, बेकरी की कोई भी रेसिपी बनानी हो, सारी रेसिपी में ये छोटे वाले स्टैंड का ही यूज़ करें। ये छोटा स्टैंड बेकरी की रेसिपी के लिए होता है। प्री हीट होने के बाद हमारे ओवन में बजर बजता है। इसके बाद मैंने 2 बार स्टॉप का बटन दबाया, गेट खोला, छोटा स्टैंड रखा, स्टैंड के ऊपर मैंने बेकिंग ट्रे रखी। इसके बाद ओवन का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद कन्वेक्शन मोड पर मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए इसको बैक होने रखा है। ध्यान रखें, सभी ओवन अलग अलग कंपनी के ओवन में टाइम 5-6 मिनट आगे पीछे होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। कई लोगों को ओवन में बैक करना नहीं आता है, इसलिए मैंने सारे स्टेप बताए हैं कि किस तरह से ओवन में क्या रखना है और कौन सी स्विच कब दबानी है। उन लोगों के लिए ये स्टेप बहुत ही यूज़फुल रहेगा। 20 मिनट के बाद मैंने पाँव को ओवन से निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि परफेक्ट पाँव बैक होके बाहर निकले हैं। गरम गरम पाँव के ऊपर मैं घी चिपकाऊंगी। ब्रश की सहायता से हम घी को इस तरह से पाँव के ऊपर लगाएंगे। ऐसा करने से पाँव सूखे सूखे नहीं लगेंगे, बाहर के जैसे ही दिखेंगे। इसके ऊपर एक शाइनिंग आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। घी लगाने से इसमें बहुत अच्छी सी शाइनिंग आती है। दूसरी साइड पे मैंने छोटा टिन को था उसको भी बेक होने रख दिया है। ध्यान रखें, दूसरी बार हमें प्रीहीट नहीं करना है, डायरेक्ट ही 20 मिनट के लिए ही हमें बेक होने रख देना है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप देख सकते हैं सारे पाँव के ऊपर मैंने घी चिपका दिया है, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। देखिए ये पाँव भी हमारे बेक हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर भी घी लगा दूंगी। मैं आपको पाँव उल्टे करके भी दिखाती हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा कि अंदर से भी ये कितने सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कॉमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिसे आप फॉलो करेंगे
तो आप परफेक्ट बाजा जैसे पाँव रेडी कर सकेंगे और वो भी घर पर। तो मेरी सबसे पहली टिप्स ये है कि आप डायरेक्ट ईस्ट को आटे में डाल के ना गूंथे, इससे पहले साइड में एक बार एक्टिव करके चेक करें कि ईस्ट बराबर काम कर रहा है या नहीं। टिप्स नंबर दो, बाजार से जब आप मैदा खरीदे तो 1 महीना पुराना होगा तो चलेगा। ध्यान रखें एकदम फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जब ईस्ट खरीदे तो 2-3 महीने पहले का होगा तो चलेगा, लेकिन 6-7 महीना पुराना ईस्ट कभी ना खरीदें। हो सके तो एकदम फ्रेश ईस्ट हो ऐसा ही खरीदें अच्छे रिजल्ट के लिए। टिप्स नंबर 3, फ्रिज से डायरेक्ट कोई भी चीज़ यूज ना करें, इससे पहले बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, इसके बाद ही इस चीज़ का यूज़ करें, जैसे कि मैदा। अगर आपने 1 महीने पहले ही मैदा ला के रख दिया है फ्रिज में, अगर हफ्ते पहले भी ला के रख दिया है, तो इसे पहले बाहर निकाल दीजिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, इसके बाद ही इसका यूज़ करें अच्छे रिजल्ट के लिए, ये बात ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, आपको मेरे मिल्क पाव की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।